हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इज़ वन ऑफ द फोर मेथड्स दैट वी हैव टू डू इन चैप्टर नंबर थ्री। चैप्टर नंबर थ्री में इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी है, आपने इसको पहले भी यूज़ कर रखा है। इनफैक्ट आप आज से पहले जब भी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तब आप एलिमिनेशन मेथड ही करते थे। जस्ट इन टेंथ लेवल थोड़ा सा हाई होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे, एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपको आपका मेथड इजीली समझ में आए और आप बाकी के सम्स कर पाएं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जाम्पल। हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। नाउ द ट्रिक फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ सम्स इज कि आपको इसमें से दोनों इक्वेशंस में से कोई एक वेरिएबल ऐसा पकड़ना है जो आपको सिंपल लग रहा है, एंड वो वेरिएबल को सिलेक्ट करके आपको दोनों इक्वेशंस में वैल्यू को इक्वल कर देना है। लाइक अपने पास दो वेरिएबल्स रहेंगे एक्स एंड वाई, सिलेक्ट द सिंपलेस्ट वन। यहाँ पे मैं एक्स भी ले सकता हूँ, यहाँ पे वाई भी ले सकता हूँ, बिकॉज उनके कोएफिशिएंट्स वन है। व्हाट आई विल डू, मैं एक्स की वैल्यू लेके करते हैं, मैं एक्स की वैल्यू एक्स की वेरिएबल को इक्वल करता हूँ। सो अगर मुझे एक्स का वेरिएबल इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 है, 2x है, तो मेरे को ऊपर भी 2x ही चाहिए इक्वल करने के लिए। सो कीप इन माइंड वन थिंग कि जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी इक्वेशन को, देन इट हैज टू बी ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड दिस इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। राइट, अपने एक वेरिएबल इक्वल आ गया, उसके कोएफिशिएंट दोनों इक्वल आ गए। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू एलिमिनेट द मेथड, एलिमिनेट दैट वेरिएबल जो इक्वल आ गया उसको एलिमिनेट करते हैं। दैट इज व्हाई इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है। क्या करेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन में, अगर कोई साइन नहीं होती तो अपन उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अब दोनों पॉजिटिव है, उसको हमें एलिमिनेट करना है, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो। तो सबट्रैक्टिंग दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 2x कट जाएगा, यहाँ पे 2y है, माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2y प्लस 5y दैट 3y दैट इज 5y एंड दिस वुड बी 10 माइनस 4 दैट इज 6। सो योर y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। तो हमें एक वेरिएबल मिल गया, लेट दिस बी 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, दिस वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में इसको डाल दो, सो यू विल गेट, मैं फर्स्ट में डाल के देखता हूँ, सो 2x प्लस 2 y की वैल्यू है 6/5 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 2x प्लस 12/5 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 2x, ये 12/5 उधर चला जाएगा, तो 10 माइनस 12/5 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 50 माइनस 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2x। जब इसको आगे सॉल्व करें इधर, तो 2x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 38, 38 अपॉन 5 That implies that x is equals to 19/5. So this is how आपको दोनों variables मिल गए, this is how elimination method काम करता है। हम लोग एक और sum करके देखते हैं जिससे आपको और clear हो, हम लोग next sum ही करके देखते हैं। जो next sum है उसका हमारे पास equation क्या दे रखा है, that 3x minus 5y minus 4 is equals to 0 and 9x is equals to 2y plus 7। अब इसको आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आपको सम करते वक्त बड़ा इजी लगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ऐसा करिए कि इक्वेशन को वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ वैसे कर दीजिए। अब यहाँ पे कांस्टेंट भी एक ही साइड में है तो उसको उधर ले जाते हैं, सो दिस इक्वेशन वुड बी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 एंड इधर भी कांस्टेंट एक तरफ रखना है तो 2y को इधर ले आते हैं, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन हुए। नाउ अगेन क्या करना, दोनों दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर दो। सो मैं वापस यहाँ पे एक्स को ही करता हूँ, आप हमेशा एक्स को करिए वाई को करिए, ये आपके ऊपर है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इक्वल करना है तो मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो जो मेरा इक्वेशन होगा वो होगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 और ये इक्वेशन वैसा का वैसा रहेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अगेन दोनों की प्लस साइन है, व्हाट विल डू, सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करने पे कट हो जाएगा,
माइनस 15 माइनस माइनस 2y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो विल गेट माइनस 15 प्लस 2y, माइनस 15y प्लस 2y, दैट इज माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 इज 5, सो हियर यू गेट y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13 एज योर फर्स्ट वेरिएबल, आपको इस वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हम लोग ये वैल्यू किसी भी और इक्वेशन में डाल के देखते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, इट वुड बी 9x माइनस 2y की वैल्यू डालते हैं, माइनस 5 बाई 13 इज इक्वल टू 7 है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9x प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 13 इज इक्वल टू 7, तो ये उधर चला जाएगा, 9x इज इक्वल टू 7 माइनस 10 बाई 13, अब एलसीएम लेंगे तो 13 इंटू 7 दैट इज 91, सो 91 माइनस 10 9x equals to, therefore 9x would be equals to 81 upon 13 and that implies that x would be 9, इधर नीचे चला जाएगा, 9 और 81 कट होके 9 हो जाएगा, 9 upon 13, so आपके equation की variables क्या है, minus 15 by 13 and 9 by 13, so इस तरीके से elimination method आप कर सकते हैं। हर बार करना क्या है आपको, आपको जो variable आपको easy लगता है आप उस variable को दोनों इक्वेशंस में इक्वल कर दीजिए एंड डिपेंडिंग ऑफ द साइन ऑफ दैट वेरिएबल। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर इन दोनों में से यहाँ पे कोई भी एक साइन माइनस की होती देन हमेशा दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देना, बिकॉज माइनस प्लस फिर कट जाएगा, तो ये चीज भी याद रखना, अगर आपका जो वेरिएबल है जो इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल इक्वल आ रहे हैं और दोनों में से कोई भी एक साइन माइनस की है, जस्ट दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपका वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपकी दोनों साइन सेम है, जो वेरिएबल इक्वल आ रहा है दोनों इक्वेशंस में साइन सेम है, तो इक्वेशन को आप माइनस कर दो तो वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ एलिमिनेशन मेथड वर्क्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, देयरफॉर इसके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है, देन आई विल सॉल्व इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के सम करेंगे, उसकी मेथड हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।